नमस्कार दोस्तों, विमल टेक्निकल में स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप पबजी मोबाइल में अपने आईडी की नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने प्लेयर का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पेन का ऑप्शन आया है, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे तो आपको दिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट पे जाना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वीडियो देखते रहिए पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से आपको इन्वेंटरी पे क्लिक करना है। सबसे नीचे यहाँ पे क्लिक कर रहे ना, यहाँ पे सबसे नीचे पे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे कूपन है। तो यहाँ पे आईडी कूपन आपके पास है तो उसको यूज़ करना है। यहाँ पे आपको बाद में यूज़ कर लेना है, यूज़ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एंटर योर न्यू निक नेम, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विमल 1234। तो 1234 तो बाद में दोस्तों यहाँ पे नाम लिख के आप ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। बाद में ओके पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपने आईडी कूपन की इस्तेमाल करके आप अपने आईडी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था, तो आपको दिखाता हूँ फिर से। तो यहाँ पे ये आईडी कूपन का यूज़ किया था मैंने। तो यहाँ पे नाम ऑलरेडी एक्सिट ऐसा कुछ आ रहा, तो आपको नाम के साथ दो तीन वर्ड जो आपको फेर बदल करना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा नाम नहीं चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये विमल 245 यहाँ पे चेंज हो गया है। पहले मैंने विमल 1234 किया था तो नहीं हो रहा था। तो आपको नाम के साथ नंबर थोड़ा चेंज कर लेना है तो हो जाएगा आईडी कूपन का यूज़ करके। तो इस तरह से आप पबजी मोबाइल में अपने प्लेयर का नाम चेंज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।